सभी साथियों को नमस्कार। तेजस एजुकेशन हब की रास्तान करंट अफेयर्स की क्लास में आपका स्वागत है। आज 7 फरवरी 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को विस्तार से जानेंगे। रास्तान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त किए गए हैं श्री मनिंदर मोहन श्रीवास्तव, श्री जॉर्ज मसीए, श्री दीपांकर गुप्ता, कोई नहीं। देखिए, जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं हाई कोर्ट को, उनको नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। जो शपथ होती है वो दिलाते हैं वहां के राज्य के राज्यपाल, और त्याग पत्र दिया जाएगा राष्ट्रपति को। तो राजस्थान के जो मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं श्री मनिंदर मोहन श्रीवास्तव, ऑप्शन नंबर ए, इनको शपथ दिलाई है राजस्थान के राज्यपाल श्री कलराज मिश्र ने। यहाँ एक बहुत ही गजब का क्वेश्चन बनता है कि ये कौन से क्रम के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। तो आपको ये क्रम भी याद करना है। जो टफ क्वेश्चन होंगे वो इसी प्रकार के पूछे जाते हैं। 42वें नंबर के ये मुख्य न्यायाधीश बने हैं। साथ ही आपको बता दूं, मुख्य न्यायाधीश श्री मनिंदर मोहन श्रीवास्तव ने हिंदी में शपथ ग्रहण की है, हिंदी भाषा में। राजस्थान राज्य विकास एवं निवेश निगम रिक्को के द्वारा कितने औद्योगिक क्षेत्रों का नाम बदलकर श्री राम जानकी औद्योगिक क्षेत्र किया गया है? 8, 6, 5, 4। देखिए, 22 जनवरी को मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने 6 औद्योगिक क्षेत्रों का नाम बदलकर श्री राम जानकी औद्योगिक क्षेत्र किए जाने की घोषणा की गई थी। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। 2 फरवरी को रिक्को द्वारा इनका नाम बदलकर श्री राम जानकी औद्योगिक क्षेत्र कर दिया गया है। घोषणा हुई थी 22 जनवरी को, भगवान श्री राम की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई थी उसी दिन घोषणा की गई थी, लागू किया गया इसे 2 फरवरी से। अब वो 6 औद्योगिक क्षेत्रों के आपको नाम याद होने चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है और अच्छे लेवल का क्वेश्चन बनेगा ही। तो ये 6 औद्योगिक क्षेत्र हैं, कुंज बिहारीपुरा दूदू जिले में पड़ता है, ये सत्तासर बीकानेर जिले में पड़ता है, बलारिया स्वाई माधोपुर जिले में है, जटलाव गोठड़ा ये भी स्वाई माधोपुर में है, स्वाई माधोपुर में है, राजास डीडवाना, रामसर बाड़मेर। तो ये 6 औद्योगिक क्षेत्र हैं जिनका नाम श्री राम जानकी औद्योगिक क्षेत्र किया गया है। 6 के 6 नाम आपको याद होने चाहिए। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का पैतृक गांव जन्म स्थान है अटारी बंबू नानकवास जैठा। देखिए, मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा 2 दिवस के भरतपुर दौरे पर हैं, और इसी भरतपुर दौरे के समय वो अपने गांव गए थे जहां उन्होंने अपने गांव में पैतृक जो उनका जन्म स्थान है नंगे पैर से भ्रमण किया, इसलिए ये गांव अखबारों में छाया हुआ है। इस गांव का नाम है अटारी, भरतपुर जिले में पड़ता है, ये ऑप्शन नंबर ए। इस 2 दिवसीय भरतपुर दौरे के दौरान उन्होंने भरतपुर में जन सुनवाई केंद्र का भी लोकार्पण किया है, जन सुनवाई, मुख्यमंत्री जन सुनवाई केंद्र का लोकार्पण किया है। साथ ही उन्होंने पूंछरी का लोटा, गिरिराज जी का मंदिर, कैला देवी माता के भी दर्शन किए। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बहुत ही खास बनते हैं।
जन्म स्थान अटारी और पहली बार भरतपुर जिले में जन सुनवाई केंद्र खोला गया है। विकसित भारत संकल्प यात्रा का शहरी क्षेत्र में दूसरा चरण कब से प्रारंभ हुआ? 6 जनवरी 2024, 7 जनवरी, 5 फरवरी और 6 फरवरी। आपको बता दें विकसित भारत संकल्प यात्रा क्या है। केंद्र की जो भारत सरकार की जो योजनाएं हैं, भारत सरकार की योजनाएं, देखिए राजस्थान सरकार की नहीं, भारत सरकार की, भारत सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाना और जो वंचित लोग हैं उन्हें लाभान्वित करना इस यात्रा का प्रमुख उद्देश्य है। इसकी जो राजस्थान में शुरुआत हुई थी 16 दिसंबर 2023 को की गई थी, जोधपुर से इसकी शुरुआत हुई थी। आपको ये तारीख भी याद कर रखनी है, साथ ही ये भी याद रखना है राजस्थान में कहाँ से शुरुआत हुई थी। जोधपुर में सीएम भजन लाल शर्मा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअल माध्यम से इसकी शुरुआत की गई थी। अब शहरी क्षेत्र में इसका दूसरा चरण प्रारंभ किया गया है 6 फरवरी 2024 से। पहला चरण समाप्त होके दूसरा चरण शुरू हो गया है शहरी क्षेत्र में। बाउंस ऑफ जॉय प्रोग्राम का संबंध किससे है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। शारीरिक शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण, शिक्षकों का विशेष प्रशिक्षण, गांव में खेलों का विकास करना, कोई नहीं। देखिए राजस्थान के स्कूलों में खेल कूद को बढ़ावा देने के लिए, इसका उद्देश्य है खेल कूद को बढ़ावा देना, साथ ही जो खेल प्रतिभाएं हैं उनको तराशना, इसका मुख्य उद्देश्य है। इसके तहत पूरे राजस्थान में 100 स्कूलों के 132 पीटीआई शारीरिक शिक्षक पीटीआई 100 स्कूलों के 132 शारीरिक शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण का आयोजन किया जाएगा ताकि वो स्कूलों में खेलकूद को बढ़ावा दे सके। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसकी शुरुआत की है श्री नवीन जैन द्वारा, इसकी शुरुआत की गई है। तो कार्यक्रम का नाम है बाउंस ऑफ जॉय कार्यक्रम, याद रखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन सकता है यहां से। राजस्थान के किस जिले में जैव विविधता बचाओ और चारागाह बचाओ अभियान की शुरुआत की गई है? देखिए अगर पुराने समय की बात करें तो चारागाह जैव विविधता के बहुत ही अच्छे साधन थे, लेकिन धीरे धीरे समय की पराकाष्ठा देखिए चरागाह समाप्त होते जा रहे हैं, जैव विविधता को भी नुकसान हुआ है। तो इसे बचाने के लिए ये अभियान चलाया गया है बूंदी जिले में। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। मैं आपको पहले से ही कहता रहा हूं कि जो जिला प्रशासन द्वारा चलाए गए अभियान है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैविक खेती राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? उदयपुर, जोधपुर, भरतपुर, भीलवाड़ा। देखिए ये राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम है वो जैविक खेती को बढ़ावा देने हेतु किया जा रहा है। जैविक खेती के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करना इसका मुख्य उद्देश्य है। ये 21 दिवसीय ट्रेनिंग कार्यक्रम है, इसका आयोजन उदयपुर जिले में किया जा रहा है, ऑप्शन नंबर ए। तो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। हमारे द्वारा डेली करंट अफेयर्स को लेकर, राजस्थान के करंट अफेयर्स को लेकर सुबह 7 बजे क्लास होती है, जिसमें 10 मिनट में आपको महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स कवर किया जाता है। तो अगर आप प्रतिदिन अपना 10 मिनट का समय अगर करंट अफेयर्स को देते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा भार कम होगा, साथ ही आप अच्छी तरीके से करंट अफेयर्स को कवर कर पाएंगे। हर परीक्षा में करंट अफेयर्स लगभग 15 से 20% तक होता है, तो
तो आप 15-20% की तैयारी सिर्फ प्रतिदिन 10 मिनट में कर सकते हैं। साथ ही आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक दिया गया है उसे लिंक को क्लिक करके आप हमारे ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। धन्यवाद।